फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल एलआर एक्सपेरिमेंट में। और आज की वीडियो गोबर गैस प्लांट वाले वीडियो के पार्ट टू होने वाला है। उस वीडियो हमने पार्ट वन में हमने बनाना सीखा था गोबर गैस प्लांट को कैसे बनाया जाता है, और आज की वीडियो में हम उसका पूरा वर्किंग प्रोसेस देखेंगे कि वो काम कैसे करता है, जैसे कितनी गैस बनती है। तो चलिए शुरू करें। गायों का गोबर लेने के लिए आए गायों के बारे में, और अब यहाँ से हम गोबर लेंगे। ये हमने गोबर ले लिया, इसमें हम पानी मिला के अभी इसमें हम गोबर हमारे प्लांट में डालेंगे। पहले से डाला हुआ गोबर हम खाली वीडियो के लिए अब थोड़ा सा डाल के दिखा रहे हैं आपको। अभी हम इसमें पानी मिलाएंगे। और इसे पूरी अच्छी तरह से घोलेंगे हम। और अच्छी तरह से घुल चुका है, और अब हम इस गोबर गैस प्लांट में डालेंगे इसे। अब हम इसमें डालने जा रहे हैं, यहाँ पे देखो। इसमें हमने पहले से बहुत सारा गोबर डाल के रखा है, जैसे इसमें एक्स्ट्रा होता है तो यहाँ से इधर से बाहर आ जाता है वापस। अभी आए नहीं और लेंगे तो यहाँ से बाहर आ जाएगा इसमें। अब हमने हमारे प्लांट में गोबर डाल दिया है, और अब हम देखेंगे 10 दिन के बाद कि गैस कितनी बनती है उसमें। तो चलिए हम मिलते हैं अभी 10 दिन बाद। हमें इसमें गोबर डाले हुए 10 दिन हो चुके हैं, और देख के इसमें गैस बन चुकी है। कुछ गैस हमने बाहर निकालती थी टेस्टिंग के लिए पहले, और इसमें अभी बनी हुई बहुत सारी गैस बनी हुई है। आप इसकी जगह थोड़ा बड़ा ट्यूब लगाना जिसमें गैस थोड़ी ज़्यादा स्टोर होगी। हमारा स्टोर तो ये हुआ थोड़ी कम हुई है क्योंकि ट्यूब थोड़ा छोटा था, तो इसलिए। तो चलिए हम अभी इसको जला के देखेंगे। यहाँ से हमारा गोबर वेस्ट मटेरियल बाहर आ रहा है, और बाकी गैस अच्छी तरीके से बन रही है। तो चलिए हम इसे अब जला के देखते हैं। तो देखिए इसका पूरा प्रोसेस आपके सामने है। इसमें यहाँ पे गैस स्टोर होती है, यहाँ से देखिए यहाँ पे निकलती है बाहर। यहाँ पे वाल्व लगा हुआ है एक, और यहाँ से बन के पूरी यहाँ से यहाँ तक आती है। आपने देखा कि गैस बहुत अच्छी तरीके से बन चुकी है, और अभी वो बहुत अच्छी तरीके से जल रही है। उसे अब हम गैस में कनेक्ट करने के लिए उसके लिए बड़ी नॉजल बनना चाहिए, तो वो हमारे पास है नहीं, तो फिर बाद में लेके आके उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।